Hello friends, and welcome to my YouTube channel Simply Stocks. And today it's Sunday and it's the question answer session. तो आज मैं आपके सवालों के जवाब दूंगा जो आपने पिछले एक हफ्ते में दिए हैं. So let's get started. First of all, a disclaimer that this is not a stock recommendation and people taking any position into any share that I talk about should do that with their own due diligence and research. And I'm not in favor or against any company that I talk about. तो अब बात आज के क्वेश्चन आंसर सेशन के बारे में, और जल्दी से हम चलते हैं कि किन शेयरों पे मैं आज बात करने वाला हूँ उसकी लिस्ट मैं आपको बता दूँ. जिन शेयरों पे मैं बात करूँगा वो हैं मनपसंद बेवरेजेस, सेंचुरी प्लाईवुड, उसके अलावा मैं बात करूँगा स्मॉल कैप इंडेक्स के बारे में, और कुछ ऐसे स्मॉल कैप शेयर्स के बारे में पूछा गया है कि मैं बताऊँ, फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़, HIL, अरबिंदो फार्मा, और ज़्यादातर सेक्टोरल इंडाइसेस के बारे में मैं बात करूँगा. तो अब जल्दी से आते हैं पहले सवाल के ऊपर. एक सवाल भेजा है सावियो ग्रेब्रियल ने, और उन्होंने कहा है कि वाई डिड आई इन्वेस्ट इन मनपसंद बेवरेजेस. वैसे तो मैंने ये कहीं पे ये बताया नहीं कि मैंने मनपसंद बेवरेजेस में कभी इन्वेस्ट किया है. शायद एक या दो जगह कहीं मैंने ये कहा होगा कि इसमें मैंने लॉसेस लिए हैं. वो बात सही है, 2016 में जब ये शेयर काफ़ी अच्छा चल रहा था, 15 के अगस्त सितंबर में ये आया था, तो 16 से 18 तक मैं इसमें ट्रेड बहुत अच्छे से कर रहा था. उसके बाद फिर वो फियास्को हुआ मनपसंद का अप्रैल 2018 में, और उसी के दौरान ये गलती मेरे से हुई कि मैंने वो शेयर 400 के आसपास, 375-400 पे लिया, और उसमें मुझे 50-60% का लॉस हुआ. बट आई एग्जिटेड इट एट डिसेंट लेवल, स्टिल एट अ लॉस ऑफ अराउंड 50%. लेकिन फिर भी वो हाल नहीं है कि आज 11 रुपये का शेयर है या 16 रुपये का शेयर है, तो मैंने लिया हुआ है अभी भी. सो आई एग्जिटेड दैट. एंड वाई डिड आई इन्वेस्ट? बिकॉज द वे एवरीबडी वॉज हैविंग एन अंडरस्टैंडिंग दैट इट वॉज ग्रोइंग एट 40% ऑन द बॉटम लाइन एंड 20-25% ऑन द टॉप लाइन, दैट द कंपनी वॉज डूइंग रियली वेल. इट वॉज अ स्मॉल कंपनी, सो द बेस वॉज स्मॉल, एंड इट लुक्ड लाइक दैट इट वुड अचीव बिग थिंग्स इन द ईयर्स टू कम, बट वी ऑल नो वॉट हैपेंड आफ्टरवर्ड्स. तो इस यही रीजन्स थे इन्वेस्टमेंट के. आइडिया नहीं था कि मैनेजमेंट क्या करने वाला है, और ये मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आपको कभी पता नहीं चलेगा कि मैनेजमेंट क्या कर रहा है. आप ICICI बैंक के चंदा कोचर के केस को ले लीजिए, आप RBL बैंक जैसे शेयर को ले लीजिए. इसीलिए मैंने वो रामदेव अग्रवाल जी पे वो वीडियो बनाया, नथिंग अगेंस्ट हिम, बट ही मेड मिस्टेक्स इन बोथ RBL एंड मनपसंद बेवरेजेस. आप प्लीज़ उस वीडियो को भी जाके देखें, तो उससे आपको और आइडिया होगा दैट वी एज रिटेल इन्वेस्टर्स कैन नॉट डू एनीथिंग. वी कैन ओनली इन्वेस्ट ऑन द नंबर्स एंड ऑन द फेस ऑफ इट एज टू वॉट कम्स अप, कि हाँ क्या है. हाँ, स्टॉप लॉस लगा के आप ये कर सकते हैं और अपने लॉसेस रिड्यूस कर सकते हैं. एक सीख मुझे इन चीज़ से मिल गई है कि मैनेजमेंट क्वालिटी को जांचना बहुत मुश्किल है, लेकिन इम्पॉसिबल नहीं है. और उसके लिए ये करना चाहिए कि आप पूरे, मतलब कि ऐसे स्टॉक्स लीजिए जो कि काफ़ी टाइम से मार्केट में हैं, चाहे वह स्मॉल कैप ही हो, और उसका ट्रैक रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ मैनेजमेंट क्वालिटी इंटेग्रिटी काफ़ी बेहतरीन रहा है. मनपसंद बेवरेजेस को सिर्फ 2-3 साल हुए थे लिस्ट हुए, और शायद वो एक मिस्टेक आप कह सकते हैं कुछ हद तक कि एक नई कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा था. एक दूसरी बात इसी में मैं कहना चाहूँगा कि कभी भी आप ऐसे शेयर में फंसें, चाहे वो कॉक्स एंड किंग्स आप ले लें, वक्रांगी ले लें, मनपसंद ले लें, या ऐसे बहुत सारे केसेस हुए हैं, CG पावर है, तो इनमें आप फौरन निकलने की कोशिश करें. कुछ सोचें ना कि आगे अब सही हो जाएगा, अभी मैनेजमेंट की रिपोर्ट आ जाएगी, मैनेजमेंट इस पे बात करेगा, हज़ार चीज़ होगी, तो सब वी शेप रिकवरी आ जाएगी. ऐसा रेयरेस्ट टू रेयर केसेस में होता है, 100 में से 1 में या 1000 में से 1 में होगा, ऐसा होता नहीं है. मनपसंद में आपने देख लिया कि किस तरीके से स्टॉक पहले 100-130 तक गिरा, फिर बढ़ा, फिर गिरा, और अब 15-16 रुपये तक गिर गया है. फ़ौरन निकलने की कोशिश करें. इवन सर्किट्स पे भी जा रहा है तो आप 30% उससे नीचे सर्किट पे निकलने की कोशिश करें. अगला सवाल है यथीश एसआर की तरफ से, और उन्होंने पूछा है व्यू सेंचुरी प्लाईबोर्ड के ऊपर, तो और नीलकमल के ऊपर भी. तो मैं ये बताना चाहूँगा कि सेंचुरी प्लाईबोर्ड पे मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, एक बहुत पहले बनाया था, एक अभी रीसेंट वीडियो है, उसको आप ज़रूर जाके देखें. और जो लोग भी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं मिड और स्मॉल कैप में, बहुत सारे मिड और स्मॉल कैप शेयर्स पर मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, एक प्लेलिस्ट भी है, उसे भी देखें. सेंचुरी प्लाईबोर्ड पे जो वीडियो बनाया है उसको भी देखें. मेरे हिसाब से वो बॉटम आउट कर रहा है शेयर,
लिया जा सकता है, बट स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर अप्लाई, आप अपना दिमाग लगाएं, अपनी एनालिसिस करें और फिर इन्वेस्ट करें। जी नंद कुमारी डेविड का मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि वो लगभग लगभग मेरे सारे वीडियोस देखते हैं और उस पर कमेंट्स भी आते हैं। ऐसे और भी हैं सब्सक्राइबर्स, मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया करना चाहूँगा, जैसे कि रजनीत एमदी, उसके बाद कल्पेश कटारिया, योगेश और संजय जॉली, इन लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और आप ऐसे ही मेरे वीडियोस देखते रहें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और इस चीज़ को आगे बढ़ाएं, जो मैं कोशिश कर रहा हूँ कि लोगों को जितनी भी नॉलेज मेरे पास है इन्वेस्टमेंट की, जो कुछ भी है वो मैं लोगों को इम्पार्ट कर पाऊँ और वो मिस्टेक्स ना करें स्टॉक मार्केट पे। इसके बाद मेरे पास जो एक क्वेश्चन आए वो आए हैं मनीष कनौजिया की तरफ से, और उसी तरीके का क्वेश्चन पूछा है मनोज शक्या ने। मनोज शक्या जी ने कहा है कि बहुत अच्छे स्मॉल कैप आइडियाज़ आप बताएं जो कि लॉन्ग टर्म के लिए हम इन्वेस्ट कर सकते हैं रिसर्च करके, और वही चीज़ एक तरीके से पूछी है मनीष कनौजिया ने कि कोई ऐसा स्मॉल कैप रिकमेंडेशन है जिस पे हम रिसर्च करके इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब मैं स्मॉल कैप या मिड कैप इवन लार्ज कैप कोई भी रिकमेंडेशन खुलेआम देने में अभी घबराता हूँ। उसकी वजह यह है कि मैं अपने एनालिसिस से तो बता दूंगा और उसमें टारगेट्स वगैरह भी बता दूंगा, लेकिन आप खुद क्या एनालिसिस करें, आप खुद की रिस्क प्रोफाइल देखें फिर ऐसे शेयर्स में पैसे लगाएं। हो सकता है आपका रिस्क प्रोफाइल उस तरीके का ना हो कि आप उसमें पैसा लगा पाएँ, उतनी देर रुक सकें। बहुत सारे मतलब कि बहुत ही छोटी कंपनीज भी बहुत ही अच्छी हैं इस वक्त और अच्छे लेवल्स पे हैं जिन्हें लिया जा सकता है। बहुत सारे स्मॉल कैप कंपनीज़ हैं जो अच्छे लेवल पे हैं, 5 से 10 हज़ार करोड़ की कंपनीज़ हैं जो बहुत अच्छे लेवल्स पे हैं, उनको लिया जा सकता है। अब आने वाले टाइम में प्रोबेबली हफ्ते दो हफ्ते बाद या कुछ टाइम बाद मैं ज़रूर वीडियोस बनाऊंगा इस तरीके के, अगर आप चाहते हैं प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखें, जिसमें मैं कुछ आइडियाज़ आपको ज़रूर दूंगा स्मॉल और मिड कैप के। फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज़ और HIL पे सवाल पूछा है योगेश शर्मा का, दोनों पे मैं वीडियो जल्द ही बनाऊँगा अगले 1 से 2 हफ्ते में। फिनोलेक्स इंडस्ट्री पे हो सकता है नेक्स्ट वीक ही मैं एक वीडियो बनाऊँ। अच्छा शेयर है, अच्छी कंपनी है, सिर्फ बात यह है कि अगर शॉर्ट में बताऊँ तो इनका बिजनेस डिपेंड करता है कि कितना ज़्यादा कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी हो, इनके पाइप्स हैं तो इसीलिए, या तो पाइप से ये रिलेटेड है या फिर मेटल इंडस्ट्री से, तो फिर इसलिए इनका ये इनके बिज़नेस को चलने के लिए ये ज़रूरी है कि इकनॉमी अच्छी करे। HIL में भी अब वही चीज़ है। नंद गोपाल ये चाह रहे हैं कि मैं अरविंदो फार्मा पे एक वीडियो बनाऊं, हालांकि मैंने एक टेक्निकल एनालिसिस ज़रूर और फार्मा पे बनाया और मुझे टेक्निकली वो काफ़ी बेहतर लग रहा है। उस वीडियो को आप ज़रूर जाके देखें जो अरविंदो फार्मा पे मैंने अब से 1 हफ्ता 10 दिन पहले बनाया था, इन टर्म्स ऑफ देयर इट्स टेक्निकल एनालिसिस एंड वेयर इट इज़ हेडेड। अभी भी वो उस रेंज में है, 550 से 600 के बीच में आप ख़रीद सकते हैं, उस वीडियो को देखें। एक इन डेप्थ एनालिसिस के साथ मैं अरविंदो फार्मा का वीडियो जल्द ही बनाऊंगा। एक सवाल आया है मोस्ट पॉपुलर की तरफ से कि विच फार्मा और IT कंपनीज टू इन्वेस्ट इन एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अब ये काफ़ी इंटरेस्टिंग सवाल है और इस पर मैं कुछ बात करना चाहूँगा थोड़ी देर, करीब करीब आप समझ लीजिए अभी 3-4 मिनट में इसमें लेना चाहूँगा। वो इस वजह से कि अब इन्वेस्टर्स ये सोच रहे हैं कि क्योंकि लार्ज कैप स्टॉक्स और डिफेंसिव स्टॉक्स अच्छे कर रहे हैं तो क्यों ना उसमें इन्वेस्ट किया जाए। देखिए एक चीज़ आप समझ लीजिए, और इस पर भी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, उसको जाके देखिए किस तरीके से स्टॉक का सिलेक्शन किया जा सकता है, हाउ टू सेलेक्ट द बेस्ट स्टॉक्स एंड व्हेन टू इन्वेस्ट बिग टाइम। सबसे अच्छा टाइम होता है इन्वेस्टमेंट का जब उस सेक्टर में बहुत ज़्यादा मेहम हो रहा हो, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो रही हों। अगर मैं आगे जाके बात करूँ तो फिर आप ऑटो में देख लीजिए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं इस वक्त, बैंक्स में बहुत ज़्यादा, फाइनेंशियल्स में, NBFCs में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हैं। मैं ये नहीं कहता आप जाके पैसा लगा दीजिए, लेकिन इसको देखते रहिए और कुछ टाइम बाद ये वाले सेक्टर्स भी आगे आएंगे। ऐसा नहीं होता, हर चीज़ हमेशा के लिए नीचे नहीं होती, हर चीज़ हमेशा के लिए ऊपर नहीं जाती। सबसे ज़्यादा डोल्ड्रम्स में जो सेक्टर्स हैं, स्टॉक्स हैं, जो अच्छी कंपनीज हैं, उनमें आप इन्वेस्ट करेंगे 4x 5x 6x रिटर्न मिलेंगे। आयशर मोटर्स का मैंने एग्जांपल डाला हुआ है, उस वीडियो को आप ज़रूर देखें, और मैं प्लीज़ रेकमेंड करूँगा हर किसी को जो ये वीडियो देख रहा है आज मेरा कि वो आयशर मोटर्स का वीडियो ज़रूर जाके देखे, चाहे वो सब्सक्राइब करे या ना करे या आगे वीडियोस देखे या ना देखे,
उसमें एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ मैंने बताई हुई है, जो कि है इन रिलेशन टू हाउ टू चूज़ द स्टॉक एट द राइट प्राइस, कि वैल्यूएशन और प्राइस में क्या फ़र्क रहता है। तो इस चीज़ को आप ज़रूर एनालाइज कर सकते हैं। अगर आप उस वीडियो को आप ध्यान से देख पाएँ तो उस वीडियो को आप ज़रूर देखें। स्टॉक्स में हमेशा तब इन्वेस्ट करें या सेक्टर में तब इन्वेस्ट करें जब उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। आईटी और फार्मा में मेरे ख्याल से कंपनीज जो हैं वो लार्ज मिड कैप स्टॉक्स आप उठाएं, जो कि यूएस को केटर करती हैं, क्योंकि 71 रुपीज़ का एक डॉलर है, उन कंपनीज़ को आप लें। मैं स्टॉक स्पेसिफिक नहीं बता पाऊँगा इस वक्त। इसी तरीके से उन फार्मा कंपनीज़ को लें जिनको यूएस एफडीए के नॉड्स मिल रहे हैं। लार्ज कैप कंपनी है जिसको अभी मिला है नॉड, और उस कंपनी ने ये भी कहा है कि FY 2020 में उनके रिजल्ट्स बहुत ही बेहतरीन होंगे, तो उस कंपनी के बारे में आप पता करें। काफ़ी रेनाउंड लार्ज कैप कंपनी है वो। तो इस तरीके के, तो ये सारे क्वेश्चंस थे इस हफ्ते जो कि व्यूअर्स की तरफ से मेरे लिए आए थे। एक बात मैं कहना चाहूँगा कि देखिए, पैसा बनाना स्टॉक मार्केट में इतना आसान नहीं है, लेकिन पैसा बनाना स्टॉक मार्केट में बहुत मुश्किल भी नहीं है। आप अपना इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी सरल रखें, सीधा साधा रखें, और ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिनको आप समझ पाएँ। फॉर इंस्टेंस, आईटी और फार्मा के बारे में क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लेकिन बहुत ही कम लोग ये समझ पाते हैं कि यूएस एफडीए नोट्स क्यों नहीं मिलते हैं, यूएस एफडीए नोट्स क्यों मिलते हैं, जेनेरिक कंपनीज़ कौन सी होती हैं, नॉन जेनेरिक कौन सी होती हैं, और कितनी टेक्निकलिटीज़ हैं आईटी कंपनीज़ में, कौन सी एआई में है, कौन सी एआई में नहीं है, आईओएस में है नहीं है, या आईओटी में है कि नहीं है, और कौन सी एक बीपीओ फर्म है। तो बहुत डिफ़िकल्टी हो जाती है। जो लोग ये समझ पाते हैं, जो लोग आईटी फर्म्स में काम कर रहे हैं, वो ज़रूर ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें। लेकिन मैंने ये देखा है कि जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में वर्क करता है वो इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है, और जो कंजम्पशन में वर्क करता है जैसे HUL में काम कर रहा है या फिर ब्रिटानिया में, वो जाके फार्मा कंपनीज़ में इन्वेस्ट करना चाहता है। तो बेसिक इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी आप रखें और लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करें। सो दिस वॉज माई क्वेश्चन एंड आंसर सेशन फॉर दिस वीक। नेक्स्ट वीक मैं और भी अच्छे वीडियोज़ लेके आऊँगा। प्लीज़ पुट इन योर कमेंट्स एंड सजेशंस इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड हिट द बेल आइकन सो दैट यू कैन गेट माई वीडियोज स्ट्रेट अवे व्हेन आई पोस्ट इट। थैंक यू।